आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बंगला है ये आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं राजा का जो दरबार महल बोल सकते हैं, मुझे इतना पता नहीं है, शायद महल है या क्या था, लेकिन टूट गया देख सकते हैं आप। और तो गाइस जैसे कि आप देख ही सकते हो, मैं अभी तमकुई राज में खड़ा हूँ, तमकुई राज, और ये तमकुई राज का मार्केट है। आज जैसे कि आप लोगों को पता है दिवाली का फेस्टिवल है आज, और सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं, दिवाली का जो भी मिठाई वगैरह रहता है खरीदना रहता है वो सारी चीज़ खरीदा जा रहा है, और मिठाई भी काफ़ी अच्छा अच्छा बनाया गया मार्केट में, देखने को मिल रहा है मिठाई, ठीक है। और ये आप देख सकते जो ओवर ब्रिज देख रहे हो आप, ये NH 28 है, NH 28 होते हुए ये नीचे ही जस्ट तमकुई राज पड़ता है, और ये तमकुई राज का जो यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी है और फुल है। और इधर ये आप देख सकते हैं ये जो रोड देख रहे हैं ना आप, इससे जाता है मार्केट में, तो आप लोग को मार्केट भी लेके चलूँगा और दिखाऊंगा भी मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मार्केट, थोड़ा बड़ा लग रहा है, जितना भी अंदर जाएंगे उतना अच्छा दिखेगा, तो चलते हैं मार्केट के अंदर। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड का बटन दिख रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं हूँ तमकुई राज के मार्केट में, बाज़ार में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सब बाज़ार है, और इस बाज़ार में अभी पटाखे वगैरह बम वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि दिवाली का टाइम है, और इधर कुछ खाने का भी सामान है। और मैं आपको बता दूँ इधर बहुत राशन वगैरह का भी दुकान है, सब्जी वगैरह का भी दुकान है, जैसे कि मार्केट में जैसे होता ही है, और काफ़ी भरा हुआ है क्योंकि दिवाली का टाइम है। तो इधर भी आप देख सकते हैं, यही सब माला वगैरह, मिठाई वगैरह, पटाखा वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, और खाने वगैरह का बतासा वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो देख ही सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कपड़ों का दुकान साइड साइड में दिख रहा है, अरे बाजार के अंदर ही है, नीचे भी रखे हुए कपड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे साइड में, और साइड साइड में भी है दुकान जैसा, अच्छा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था तमकुई राज जैसे हथुआ राज है, यहाँ पे राजा का राज है, वैसे तमकुई राज में भी एक राजा थे, मैंने स्टोरी पता किया तो मालूम चला जितना भी बाज़ार है ना, जैसे हथुआ में जितना भी बाज़ार है सब राजा का ही है, राजा का ही ज़मीन है, उसका जो भी जो मंथली जो पैसा वगैरह रहता है जब राजा के फैमिली के पास जाता है, तो वैसे ये भी है, जितना भी ज़मीन आप देख सकते हैं सब राजा का ज़मीन है, और राजा का भी मैं घर भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, तमकुई राज का जो राजा का, अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ फैमिली रहती है, नहीं तो बनारस में रहती है, मैंने बात किया तो मालूम चला बनारस में रहती है फैमिली, और कुछ फैमिली कभी कभी आते हैं तो यहाँ पर भी घर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी रहते हैं, मैं आप लोग को उनका घर भी दिखाऊँगा।
बाबे में हूँ, राजा के बंगले के जस्ट आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बंगला है, ये आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं राजा का जो दरबार महल बोल सकते हैं, मुझे इतना पता नहीं है, शायद महल है या क्या था, लेकिन टूट गया देख सकते हैं आप। और इधर पीछे साइड में आप देख सकते हैं कि कॉलेज है, रंजीत मेमोरियल विद्या एकेडमी एक कॉलेज है। और इधर आप देख सकते हैं ये कुछ है पानी टंकी, या फिर यहाँ पे जो पहले ज़माने में, हाँ पानी टंकी है, इधर पाइप लगा हुआ है पीछे साइड में, ठीक है। तो यही है, और जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, धीरे धीरे जो पूरी जो महल बनाई गई थी और धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हुई, टूट गई है। और इधर साइड भी, आगे साइड भी एक कुछ है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, इतना मुझे पता नहीं है क्या है, शायद वर्कर के लिए या फिर कुछ लोगों के लिए बनाया गया होगा रहने के लिए। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पूरा ये पूरा सारा ज़मीन ही राजा का है, यहाँ का तमकुनी राज का, राजा का, ठीक है। और इधर कुछ लड़के हैं, बाबू कुछ बोलना चाहते हैं नहीं तो यही है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी साइलेंट प्लेस है, काफ़ी मतलब उतना क्राउड वगैरह नहीं है और अच्छा लग रहा है। मैं आप लोग को अंदर लेके चलता हूँ, और महल के अंदर, पूरा अंदर नहीं लेकिन बाहर से मैं आप लोग को दिखाता हूँ, कोई कुछ चिल्लाएगा इसलिए अंदर ज़्यादा जाऊँगा नहीं, तो चलिए मैं आप लोग को अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है। देख सकते हो आप, कछुआ है ये, बहुत मस्त लग रहा है। एक ही है क्या बाबू? और इधर आप देख सकते हैं ये फुआरा है, फुआरा के अंदर दो कछुआ डाला गया है। इधर आप देख सकते हैं, इधर साइड में आप लोग जूम कर देख सकते हैं ये, और काफी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं ये भी लग रहा है, रात में चलता होगा, रात में चलता है ना बाबू ये? हाँ चलता हुआ तो बहुत मस्त लगता होगा, ठीक है। हाँ तो आप देख सकते हैं यही है महल हो, और अंदर तक जाऊंगा नहीं अभी, बाहर से फिलहाल मैं बाहर से आप लोगों को दिखाया हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइड साइड में जो ये लगाया गया है पेड़ जैसा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बड़ा जब हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। इधर साइड साइड में कुछ फूलें लगाई गई है, देख सकते हैं आप जो फूल, और ये महल आप देख सकते हैं। फिलहाल महल में कोई होगा या नहीं होगा, अभी कोई है क्या अंदर? अंदर कोई है महल के अंदर? हाँ है, अंदर कोई फैमिली होगा शायद, तो आप लोगों को बाहर से ही दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। और एक काफ़ी बाबू लोग खड़े हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इन्हें। हाँ हाँ, प्लास्टिक है, रोबोट चलता है, दिमाग से काम करता है। हाँ यहाँ पर बैटरी लगता है और काम करता है। तो ये इधर आजू बाजू के जो बच्चे हैं साथ में आए हैं, और इन्होंने बोला कि अंदर जाकर बना सकते हो बाहर से ही, नहीं तो मैं बाहर अंदर आने वाला नहीं था। तमकुनी बाज़ार मैंने घूम लिया और काफ़ी मज़ा आया घूमकर, और मैं आप लोगों को बता दूँ तमकुनी बाज़ार से जस्ट निकलने वाला हूँ, अभी गोपालगंज जाने वाला हूँ अपने घर। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जाते जाते यहाँ है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो वगैरह खड़ी, यहाँ पे बस आगे खड़ी रहती है, ऑटो मिलती है, यहाँ से आप गोपालगंज जा सकते हैं। अगर यहाँ से अगर आप गोपालगंज जाना रहे तो यहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी, जस्ट आप देख सकते हैं ये ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज के जस्ट नीचे यहाँ पे साइड में आपको बस और ऑटो मिलेगी, तो डायरेक्ट आपको गोपालगंज लेकर जाएगी। और कोई कोई क्या होता है ना कि आपको सासामूसा लेकर जाती है ऑटो, फिर सासामूसा से दूसरा गाड़ी लेना रहता है थावे या गोपालगंज के लिए, तो यही है। तो अगर आप तमकुनी आते हैं, आइए घूमिए, बहुत अच्छा जगह है तमकुनी। तो गाइस यही था इस ब्लॉग में, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा ब्लॉग देखकर। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ, तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो रेड कलर में दिख रहा है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लो, और साथ में वीडियो को शेयर भी करें। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।